लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीएम पद की शपथ ली और सोमवार को पदभार संभाल लिया। इधर एनडीए सरकार के गठन से पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव को खामोश करने के लिए बड़ा दाव चल दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में कई विभागों में बंपर भर्ती निकाली है। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार ने ऐसा तेजस्वी को जवाब देने के लिए किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद सबकी नजरें अगले साल होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव पर लग गई है। माना जा रहा है कि लोकसभा की तरह तेजस्वी यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी देने को मुद्दा बना सकते हैं। आम चुनाव में तेजस्वी ने रोजगार गारंटी का मुद्दा जमकर उठाया। तेजस्वी यादव अक्सर कहते रहे कि नीतीश सरकार पर दबाव बनाकर मैंने 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलवाई है। तेजस्वी से ये मुद्दा छीनने के लिए बिहार में एनडीए सरकार रोजगार के मोर्चे पर कदम बढ़ा रही है। 83 दिनों की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद बिहार सरकार ने रोजगार की पहल को तेजी से आगे बढ़ाया है। एनडीए सरकार ने कई रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले 2 दिनों में बिहार सरकार ने 59,042 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 और पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया है। पंचायती राज विभाग में 4,351 पद स्थायी है, जबकि 11,259 पद अस्थायी है। स्वास्थ्य विभाग में 5,740 पदों पर संभ्यता के आधार पर भर्ती की जानी है। स्वास्थ्य विभाग ने आदर्श आचार संहिता हटने से 1 घंटे के भीतर ही नौकरी अभियान की घोषणा कर दी। इनमें डॉक्टर, नर्स, ANM और फार्मासिस्ट जैसे पद उपलब्ध है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।